सो हाय गाइस, वेलकम टू टेक्नो ब्रेन्स। तो लास्ट वीडियो में आपने पढ़ा था कलर्स के बारे में, कि सीएसएस के अंदर कलर्स आप कैसे इनपुट कर सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं अपने टेक्स्ट के अंदर, बैकग्राउंड के अंदर एंड बॉर्डर्स के अंदर। तो आज हम थोड़ी सी अलग वीडियो लेके आए हैं, इसके अंदर आप कलर्स के साथ प्ले करेंगे। अब कलर्स के साथ प्ले कैसे करेंगे, फॉर एग्जाम्पल हमने एक कलर लिया, उसको ट्रांसपेरेंट कैसे बना देना, पूरा ट्रांसपेरेंट कर देंगे, कम ज्यादा उससे ज्यादा कुछ इस तरीके से हम गेम प्ले करने वाले हैं। सो गाइस, किसी भी कलर की आपको ओपेसिटी कम करनी है, डिजाइनिंग की भाषा में बात करूं तो ओपेसिटी कैसे कम करनी है, ट्रांसपेरेंट कैसे करना है, तो हम उसका यूज कर सकते हैं। सो गाइस, लुक एट दिस, हम अपनी स्क्रीन पे आ चुके हैं और ये है हमारे पास HTML कोडिंग और ये है इसका राइट साइड में आउटपुट, राइट। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे H1 ले लेंगे, ओके, और यहाँ पे हम लिख देंगे टेक्नो, और सिंपल हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ इनलाइन CSS का यूज करेंगे, राइट, इनलाइन CSS। अभी मैंने यहाँ पे स्टाइल टैग ओपन करा, ओके, और यहाँ पे हम लिखेंगे बैकग्राउंड कलर, राइट, RGBA, ठीक है। तो लुक एट दिस, यहाँ पे RGB आ गया, रेड, ग्रीन, ब्लू और अल्फा। अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे रेड में भी मैं यहाँ पे जीरो कर दूंगा क्योंकि मुझे रेड नहीं चाहिए, ठीक है। ग्रीन में भी यहाँ पे मैं जीरो कर दूंगा, राइट, क्योंकि मुझे ग्रीन नहीं चाहिए। ब्लू में मैं कर दूंगा 255, ओके, अल्फा में कर दूंगा 1, ठीक है। मैंने सेव करा, रिफ्रेश किया, तो लुक एट दिस, यहाँ पे टेक्नो लिखा आ रहा है एंड बैकग्राउंड में ब्लू कलर आ रहा है, ओके, अंडरस्टूड, समझ में आ गया आपके। अब यहाँ पे आपको क्या चाहिए कि आपको बैकग्राउंड कलर को थोड़ा सा लाइट करना है, ट्रांसपेरेंट करना है, क्योंकि देखो जो टेक्स्ट है वो टेक्स्ट नहीं दिख रहा है और कलर भी आपको ब्लू चाहिए, तो उस केस में आप लाइट कर सकते हो यूजिंग अल्फा। अब अल्फा में मैंने 1 क्यों लिखा है, बात यह, अगर अल्फा में आप 1 लिखते हैं तो इसका मतलब है 100% आपके जो कलर है वो सेम एज रहेगा, आपका कलर जो है ओपेसिटी या ट्रांसपेरेंट नहीं होगा, ठीक है, सेम रहेगा जैसा वो सॉलिड कलर आता है, ओके। तो अभी मैं क्या करूंगा, मैं इसको कॉपी करूंगा, ओके, पेस्ट करूंगा सेम। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे इसकी जो ओपेसिटी है यानी कि अल्फा है वो 0.8 कर दूंगा, तो मैं सेव करूंगा, तो लुक एट दिस, इससे थोड़ा हल्का आपको दिख रहा होगा, मुझे दिख रहा है, पता नहीं आपको स्क्रीन में जस्टिफाई हो रहा हो या नहीं हो रहा हो, आई डोंट नो, बट यस, यहाँ पे मुझे हल्का सा नज़र आ रहा है, ठीक है। अब मैं सेम यहाँ पे सेव करूंगा, यहाँ पे कुछ नहीं करूंगा, बैकग्राउंड कलर भी सेम है, ब्लू ऑन कर रखा है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे 0.5 करने वाला हूँ। 0.5 से क्या होगा कि ये बिल्कुल आधा जो हमारा जो कलर है उसकी ट्रांसपेरेंसी एकदम हाफ हो जाएगी, ठीक है, देखते हैं। देखो मैं रिफ्रेश करूंगा, लुक एट दिस, हाफ हो गई, एकदम ट्रांसपेरेंसी एकदम हाफ हो गई है और यहाँ पे देखो टेक्स्ट भी दिखने लगा है, ठीक है। सो गाइस, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट में एक बार दोबारा मैं पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे 0.5 की जगह 0.2 कर देता हूँ, सेव, और रिफ्रेश करूंगा तो लुक एट दिस, इससे कम हो गया, यानी कि देखो ट्रांसपेरेंट होता जा रहा है और कलर आपका ब्लू ही है। तो अगर आपको कहीं पे ट्रांसपेरेंसी की जरूरत पड़ती है, ओपेसिटी कम करने की जरूरत पड़ती है, तो आप अल्फा को यूज कर सकते हैं, यानी कि RGBA को यूज कर सकते हैं। अब क्या होगा, मान लीजिए फॉर एग्जांपल, अब मैंने यहाँ पे नेक्स्ट में यूज करा है 0.0 से क्या होगा, बिल्कुल ही चला जाएगा वो, ठीक है, बिल्कुल चला जाएगा, सेव करूंगा तो लुक एट दिस, चला गया, कलर भी आपने दे रखा और वो चला गया, दिख ही नहीं रहा, मतलब है ही नहीं बैकग्राउंड में। तो गाइज, इस तरीके से आप RGBA का यूज़ कर सकते हो और बहुत ही अच्छी चीज़ें होती हैं इसको लेकर, जब भी आप RGBA यूज़ करते हो ना बहुत अच्छी चीज़ें बनती हैं। देखो मेरा, देखो ऐसा लग रहा है कि बस कलर डार्क है, उससे हल्का, उससे हल्का, उससे हल्का, उससे हल्का, खत्म। तो गाइज, अगर आपको ऐसा कुछ चीज़ें बनानी है तो आप RGBA का यूज़ कर सकते हो। सो गाइज, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दिया करना, ठीक है। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्किल अप योरसेल्फ विद टेक्नो ब्रेन्स।